हेलो। कई बार मेरे से लोगों ने बोला है कि भाई आप लाइव वीडियो दिखाओ, किस तरह से पूल लगा रहे हैं, किस तरह छत पूल लगाते हैं। तो आज हमको छत के ऊपर पूल और जिसमें मैं चल रहा हूँ पूल डेक और जो जो चीज़ें इसमें हो सकती हैं मैं दिखाता हूँ। ये फाइबर ग्लास का पूल है और इसी को मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो ये जो पूल का साइज़ है हमारा, ये 9.5 फिट बाई आपका 19.5 फिट लंबाई है। इसमें इनबिल्ट स्टेप्स आती हैं 3 और ये 4 फिट गहरा है। तो जब हम पूल की बात करते हैं तो 3 स्टेप्स इसमें सफिशियंट होती हैं, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट और ये सीधा नीचे 4 फुट। तो इस तरह से 3 स्टेप के अंदर में काम हो जाता है। इस पूल के अंदर हमने एक और कस्टमाइजेशन किया है, इसको हम बोलते हैं जकूजी सेट। तो इस पूल में हमारे जकूजी भी लग जाते हैं, प्लस इसमें हमने देखा है कि एक सिटिंग भी दी है, ये भी आपकी हट भी सकती है और लगा भी सकते हैं। तो दिस इज़ ए प्रेटी कस्टमाइज थिंग। इसके अलावा इसके अंदर में लाइट्स लगी हैं, स्कीमर लगा है और बाकी चीज़ें लगी हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पूल जो है हमारा रूफ टॉप पे है, नोएडा के अंदर में लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हो नोएडा की सबसे लंबी टावर, ये टॉप फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे, और इसी के अंदर में फाउंटेन भी लगेंगे, बाकी चीज़ें भी लगेंगी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमने ये पूल छत पे लगाया। तो बेसिकली जो पूल है ये आपका बाहर सड़क पे आपकी गाड़ी आ जाती है और वहाँ से ये क्रेन के ज़रिए उठा के इसको रख दिया जाता है। रखने के बाद में ये आप चारों तरफ देख रहे हैं कि इसके अंदर में एक डेकिंग बन रही है जो WPC डेक है, इसको हम वुड प्लास्टिक कंपोजिट बोलते हैं। साथ में आप देखिए कि हमने इसमें हैंड बार भी लगाया हुआ है जिसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके नीचे का डेकिंग कैसे बनता है।